प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने लंपी रोग के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब तक कुल 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,028 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और 341 पशुओं की लंपी रोग से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लंपी रोग से स्वस्थ होने की दर 40% और मृत्यु दर 1.6% है। मंत्री ने पशुओं के वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में लंपी रोग की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 लाख टीके उपलब्ध हैं, 5,80,000 टीके प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 4 लाख टीकों का ऑर्डर दिया है। साथ ही मंत्री ने पशुपालकों से निवेदन करते हुए कहा कि प्रत्येक पशुपालक को अपने पशुओं का बीमा अवश्य करवाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की हानि होने पर पशुपालकों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर के माध्यम से लंपी वायरस के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्री ने बताया कि हरिद्वार तथा देहरादून लंपी रोग से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जिनमें से हरिद्वार में 1,350 और देहरादून में 6,383 लंपी रोग के केस पंजीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट। जिसमें से लगभग 8,028 पशु जो है वो पूरी पूर्ण तरीके से ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है, 1.6% है और रिकवरी दर बहुत अच्छा है, 40% का हमारा रिकवरी दर है। हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हम ऑलरेडी 5,48,000 वैक्सीन इस वक्त पूरे हर जिले में, टोटल उत्तराखंड के 13 जिलों में बांट चुके हैं। वैक्सीनेशन चल रही है। 6 लाख वैक्सीन की हमारे पास आज के दिन व्यवस्था है।